Alright. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Saima aur aaj hum log padhenge balki seekhenge format kis cheez ka curriculum vitae. Ye kis tarah se banta hai, ye hota kya hai, theek hai? So, curriculum vitae students, basically it's a summary of an applicant's professional experience. किसी भी जॉब पे अप्लाई करने से पहले आप लोग अपना जो है वो सीवी बनाते हैं. ये है क्या, सी स्टैंड्स फॉर करिकुलम एंड वी स्टैंड्स फॉर वीटे. आपने सीवी का नाम भी सुना होगा या करिकुलम वीटे, ये यही चीज़ है, ठीक है. सॉरी, इट इज़ अ समरी ऑफ एन एप्लीकेंट्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. किसी भी एप्लीकेंट का, एप्लीकेंट कौन है, जो अप्लाई कर रहा है, जो किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, किसी एक्सपीरियंस के लिए अप्लाई कर रहा है, वो एप्लीकेंट होता है, ठीक है. उसका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, उस प्रोफेशन को लेके उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, ये शो करता है, ये उसकी समरी शो करती है, ठीक है. एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस तो ये बताता है, साथ में ये क्या शो करता है, एजुकेशनल बैकग्राउंड. एजुकेशनल बैकग्राउंड उस शख्स का, उसने कहाँ से एजुकेशन हासिल की है, कितनी एजुकेशन है उसकी और कहाँ से ली है, ठीक है. अलॉन्ग विद अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, और इसके साथ साथ दूसरी रेलेवेंट उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर आ जाती है. रिगार्डिंग द कैंडिडेट्स क्वालिफिकेशंस, कि कैंडिडेट में या एप्लीकेट की कितनी क्वालिफिकेशन है, वो सब इसमें आ जाती है. The curriculum vitae is similar to resume. Resume की तरह ये होता है, but is used more frequently by candidates who have published works in journals. लेकिन ये क्या है, वो candidates उसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं who have published works in journals, जो कि journals में उनके, उनका काम, उनके रिसर्च आर्टिकल्स वहाँ पे छप चुके हैं, तो वो इसको यूज़ करते हैं. सच है साइंटिस्ट्स, कौन से साइंटिस्ट जो हैं जिन्होंने अपना रिसर्च का काम प्रिंट किया है. जिस तरह से स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर्स होते हैं, न्यूज़पेपर की बैक पे आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे, इसी तरह जर्नल्स होते हैं, उसमें होता क्या है, सबकी रिसर्च, जितने लोगों ने रिसर्च की होती है, वो अपना उनकी रिसर्च को जब कंपाइल किया जाता है, वो एक जर्नल बनता है. उस जर्नल के अंदर डिफरेंट लोगों के जो है वो रिसर्च वर्क्स होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे साइंटिस्ट हो गए या एकेडमिक प्रोफेशनल्स जो कि एकेडमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, वो भी रिसर्चेस करते हैं कि किसको किस तरह से पढ़ाना चाहिए, इस तरह पढ़ाने के ज़्यादा फ़ायदे हैं, फिर वो उसको रिसर्च करते हैं. रिसर्च करने के बाद वो जो उनका पेपर होता है वो उसको पब्लिश करते हैं जर्नल्स में, ठीक है. ये वो होते हैं. तो वो ज़्यादातर मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, करिकुलम वीटे, जिसमें उनके पब्लिश वर्क्स की भी डिटेल्स हो कि भाई इन्होंने ये रिसर्च की है, ये रिसर्च भी की है, ये रिसर्च भी की है, ठीक है. तो बेसिकली ये एक समरी है, आप डिटेल में अपना सब कुछ नहीं बता सकते, ये एक पेज में सब कुछ बता देता है कि भाई कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन क्या है, कौन है ये, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है. और अगर आप उस एप्लीकेंट को फेवर देना चाहते हैं, आप समझते हैं वो एप्लीकेंट मौजू है, फिर उसके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी उसी सीवी में होते हैं, ठीक है. तो हम देखते हैं कि उसका फॉर्मेट क्या होता है. मोस्टली तो डिफरेंट तरह के होते हैं, लेकिन एक फॉर्मेट जो आपकी बुक में शेयर हुआ हुआ है, वही मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बता देती हूँ. स्टूडेंट्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में वो पूरा टेबल नहीं आ सकता, इस वजह से मैंने इस तरह से इसको बनाया है, ठीक है, स्प्लिट किया है. पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों के लिए, फिर उसके बाद हम उसको वर्ड में जो है वो देखेंगे. नेम, यहाँ पे आपका नेम है, तो नेम के साथ आप अपना नेम लिखेंगे, और नेम चूँकि जो है इसका
फॉन्ट बड़ा होना चाहिए, क्योंकि एक नज़र जब आपकी सीवी पे पड़ेगी तो आपका नाम सबसे पहले नज़र आना चाहिए कि ये उस बंदे की सीवी है। फिर उसके बाद आप लेफ़्ट साइड पे अपना एड्रेस और अपना सेल फोन नंबर लिखते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप एक टेबुलर फॉर्म में ला सकते हैं अपनी सीवी को। आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पहले उसका बॉक्स आता है। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या आता है? फादर्स नेम। अब जैसे हर एक का अपना नाम है, उसी तरह वो अपने फादर का नाम यहाँ पे लिखेगा। डेट ऑफ बर्थ में उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वही। नेशनैलिटी में वो अपना जो है वो जहाँ का वो नेशनैलिटी है या वो जहाँ का लोकल है, डोमिसाइल है, वो लिखेगा। फिर CNIC नंबर आ जाएगा। फिर उसका रिलीजन और उसका मैरिटल स्टेटस कि वो मैरिड है या वो सिंगल है या वो डिवोर्सी है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि वो करना क्या चाहता है, उसका मकसद क्या है, वो क्या अचीव करना चाहता है, यहाँ पे उसका ऑब्जेक्टिव आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन की तरफ हम आ जाते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में उस बंदे का एजुकेशन उसकी आ जाती है, उसका जो है वो एजुकेशन, अगर उसने मैट्रिक किया है तो कौन से ईयर में किया है, ईयर के ब्लॉक में आप वो साल लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद किस इंस्टीट्यूट से किया है, किस इदारे से उसने मैट्रिक किया है, कौन से स्कूल से किया है, वो आएगा, और कितने मार्क्स लिए हैं, फिर उसके बाद जाके ये आप लिखेंगे, ठीक है। अब मैट्रिक के बाद अगर उसने इंटरमीडिएट किया है, अगर वो इंटर पास है तो वो इंटरमीडिएट लिखेगा, इंटरमीडिएट का साल लिखेगा, किस इदारे से किया है और कितने मार्क्स लिए हैं, ठीक है, सिंपल। फिर उसके बाद उसका वर्क एक्सपीरियंस कि उसने कहाँ पे काम किया है, क्या इसने किसी भी इदारे में कोई भी काम सर अंजाम दिया है, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद लैंग्वेजेस, ये भी बहुत ज़रूरी है कि उस एप्लीकेंट को कितने लैंग्वेजेस पे अबूर हासिल है, वो कितने लैंग्वेजेस बोल सकता है, ठीक है, उसमें आप लैंग्वेजेस मेंशन करेंगे। फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आ जाती है और इंटरेस्ट कि भाई उस बंदे का इंटरेस्ट किस किस चीज़ में है और कौन से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो हिस्सा लेता रहा है, ठीक है, ये आ जाएगा। और उसके बाद फिर आपका रेफरेंस कि आपको जानने के लिए आपकी रेफरी कौन है, ठीक है। सो दिस इज़ इट। अब यहाँ से मैं आपको स्टूडेंट्स लेके जाऊँगी वर्ड के डॉक्यूमेंट पे, जहाँ पे आप देखें कि आप ख़ुद से किस तरह से एडिट करके बना सकते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको स्टूडेंट्स एक CV का फॉर्मेट दिखा देती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक टेम्पलेट है, यहाँ पे इन्होंने अपना नाम लिखा है। स्टूडेंट्स देखें, आपको नज़र आ रहा होगा क्रिस्टोफर मार्गन, और ये जो है वो इनकी तस्वीर है। आप इसी को भी एडिट कर सकते हैं, सपोज़ आप इनका नाम यहाँ से मिटा के आप अपना नाम लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ये चाहते हैं अपनी तस्वीर, तो इस तस्वीर को यहाँ से हटा के आप अपनी तस्वीर ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी तस्वीर लेके आएंगे। समरी क्या है, ये जो है वो इनकी थोड़ी सी लंबी सी समरी है कि इन्होंने इन इन जगहों पे काम किया है। आप जो है वो छोटी सी समरी लिख सकते हैं। स्किल्स हाईलाइट में आप क्या है, आपकी क्या स्किल्स हैं। आप जो है वो कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, आप लिखेंगे, ठीक है। आप एक आर्टिस्ट हैं, ठीक है, ये आपने लिख लिया, अच्छा। क्या आप डिसीजन मेकर हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर आ गया। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्वर, ये देखें ज़रा इन्होंने अपने स्किल्स लिखे हैं। क्रिएटिव डिज़ाइनिंग, इनोवेटिव, सर्विस फोकस्ड, इस तरह की स्किल्स आ सकती हैं। अच्छा, एक्सपीरियंस, यस, आपका जो एक्सपीरियंस है वर्क का वो आप शेयर करेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, फर्ज करें। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।